हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जी। वेलकम टू फिनर फॉर्म। सभी का स्वागत है फिनर फॉर्म पर। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जल्दी क्लास को सभी ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म कर दो। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है? किसी का प्रॉब्लम तो प्लीज एक बार पूछ लीजिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रियंका, और मैं आपको पढ़ाती हूँ पेपर टू कमर्स। डेली आपकी क्लास होती है फिलर फॉर्म की ऐप पर 5 PM to 6 PM। अभी हमारा चल रहा है यूनिट 5 आपका बिजनेस स्टेटिस्टिक्स। गुड इवनिंग प्रियंका जी। और यूनिट 5 में जो हम टॉपिक करने वाले हैं आज, हम करेंगे कोरिलेशन। नोट्स मिल गए हैं क्या आपको? एक बार मुझे कंफर्म कर दो। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के नोट्स मिल गए हैं? ऑल क्लियर? कैसे हो मैम? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? बस मैं भी नोट्स चेक कर रही हूँ, नहीं अपडेट हुए हैं। ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कल ही मैंने नोट्स अपलोड कर दिए थे बट अभी शो नहीं हो रहे कमर्स प्लस पेपर वन में। ममता जी गुड इवनिंग, वेट करना एक मिनट, मैं सर को मैसेज कर लेती हूँ ना कि आपके नोट्स शो नहीं हो रहे। हाँ जी, सर को मैसेज कर दिया है। मैम कल क्लास हुई थी क्या? नहीं, कल क्लास नहीं हुई थी। एक्चुअली कल मैं बिजी थी थोड़ा, तो कल मैं घर से बाहर थी, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई कल आप लोगों की। ओके जी, सो आज हम करने वाले हैं कोरिलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स अभी तक हमने जितने भी टॉपिक किए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। तो सबसे पहले मैं एक फास्ट रिविजन ले लूँ, ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोटोसिस एंड टाइप ऑफ कोटोसिस? कितने थे आपके मेनली? एंड वट इज द मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस एंड टाइप ऑफ स्क्यूनेस? हाँ जी, क्विक रिविजन है, प्लीज फास्ट मुझे आंसर करें सभी। 5:10 पे मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगी। 5:10 पे तो क्या, अगर आप जल्दी जल्दी रिप्लाई करते हो तो जल्दी स्टार्ट कर लेंगे क्लास आपकी। गुड इवनिंग राहुल कुमार जी, गुड इवनिंग सभी को। हाँ जी, जल्दी से रिप्लाई करो प्लीज। वट इज द मीनिंग ऑफ कोटोसिस? टेल्ड नेस को बताता है। थ्री टाइप है, लेपो, मेसो एंड प्लेटो। ओके, जो सबसे ज्यादा हाई पीक है वो कौन सा है? कौन सा यूनिट है मैम? यूनिट 5 चल रहा है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। कल क्लास नहीं हुई थी राहुल कुमार जी, कल एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी थी, घर से बाहर थी, तो जिस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई कल। आज मैंने सर को कल ही मैंने वैसे सर को मैसेज किया था कि मैं 2 घंटे की क्लास ले लूं, तो अभी तो कुछ बताया नहीं। गामा 0 है, वेरी गुड। और बीटा 3 है, ओके वेरी गुड। लेपोकार्टिक, वेरी गुड। और सबसे ज्यादा फ्लैटी कौन सा है? फ्लैट कौन सा है? वेरी गुड प्रियंका जी, आपने एग्जैक्टली बताया है, ठीक है। और जो लेपोकार्टिक है हमारा, ठीक है, कार्टिक, लेपोकार्टिक है जो, वो बीटा आपका >3 हो जाएगा, ठीक है। प्लेटोकॉर्टिक, हाँ जी, वेरी गुड 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 ऑल ऑफ यू। अच्छा चलो ठीक है, प्रियंका जी आंसर करे, बाकी बाकी को नहीं है क्या याद कब से स्टेटिस्टिक्स स्टार्ट हुआ है? कल
कब से हुआ स्टेटिस्टिक स्टार्ट बता दो प्लीज इनको कोई मैसेज करके। अब मे बी आपका स्टेटिस्टिक्स सैटरडे को स्टार्ट हुआ था लास्ट वीक। गामा इज ग्रेटर देन 0। यस वेरी गुड प्रियंका जी, वेरी गुड। ओके एंड आपका स्क्यूनेस क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस एंड टाइप ऑफ स्क्यूनेस? फोर क्लासेस हो गई है। हाँ फोर क्लासेस तो हो गई है। सैटरडे को क्लास थी आपकी, फोर हो गई है क्या? मंडे ट्यूसडे सैटरडे नहीं, आज आज आपकी आज है मे बी आपकी थर्ड क्लास। सैटरडे मंडे सैटरडे को स्टार्ट किया था जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक साइड झुका हुआ होता है। ओके 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 टू टाइप होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हाँ जी ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। हाँ जी, और एक जीरो स्क्यूनेस होता है, इट मीन्स कि स्क्यूड है ही नहीं। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, मीन मोड मीडियन आपका इक्वल हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो स्क्यूनेस बोलेंगे। ठीक है ओके। एब्सोल्यूट स्क्यूनेस का क्या फॉर्मूला था? एब्सोल्यूट स्क्यूनेस का क्या फॉर्मूला है? जल्दी से मुझे रिप्लाई करें प्लीज। एब्सोल्यूट स्क्यूनेस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं फॉर्मूले। आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था जो आपका स्टेटिस्टिक्स है, ऑलमोस्ट यहाँ पे फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे और एग्जाम में पूछे जाते हैं ये फॉर्मूले। एब्सोल्यूट स्क्यूनेस मीन माइनस मोड था। ठीक है ओके। मेजर ऑफ स्क्यूनेस में क्या क्या चीजें थी? फिलर फॉर्म स्टूडेंट्स, हेलो मैम। अच्छा नेम नहीं है, नहीं है क्या आपका? हाँ जी बोलिए। मेजर ऑफ स्क्यूनेस में क्या क्या चीजें इंक्लूड थी? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ स्क्यूनेस? रिप्लाई करो प्लीज फास्ट, यू हैव ओनली 1 मिनट। पियर्सन बोले, वेरी गुड कैली। हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बोले का था, कैली का था। ठीक है, और उसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है एग्जाम में। डिसाइल और परसेंटाइल वाला है, कैली वाला आपका। ठीक है, डी वाला डिसाइल हो जाएगा, पी वाला परसेंटाइल हो जाएगा। ठीक है, और उसका विद फॉर्मूला मोमेंट बेस्ड था हमारा एक, और कौन सा था आपका? ओके गुड गुड गुड। मेजर ऑफ स्क्यूनेस की बात कर रही हूँ मैं। हाँ जी, डिस्पर्शन के मेजर सबको पता है कौन कौन से हैं आपके डिस्पर्शन के? रेंज, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टर डेविएशन, मीन डेविएशन। ठीक है, और आपका फॉर्मूले भी कर लेना इनके स्क्यूनेस। ठीक है, आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्क्यूनेस हमने किया था, और इसके थे मेजर ऑफ स्क्यूनेस के थे पियर्सन कॉफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस वाला था आपका। अगर मोड वाला होगा तो मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, और अगर पियर्सन कॉफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस मीडियन वाला होगा तो 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर कैली का डिसाइल वाला होगा तो D9 हो जाएगा, और परसेंटाइल वाला होगा तो P9 हो जाएगा। ठीक है, बॉले का कॉफिशियंट हो जाएगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन। ठीक है, Q3 माइनस Q1 अपॉन हो जाएगा, मूवमेंट बेस्ड वाला हो जाएगा। ओके, और कोटोसिस भी करवा दिया है आपको, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। प्लेटी, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था कवर। ओके, ये था आपका फॉर्मूला μ4 एंड आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4 वाला है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका कॉफिशेंट, आपका कोरिलेशन वाला है। ठीक है, वैसे कोरिलेशन मैंने आपको पेपर 1 में भी पढ़ाया था, बट यहाँ पे काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि पेपर 1 में तो आपको इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट सेकेंड पेपर में आपको बहुत पूछा जाता है इससे रिलेटेड। ठीक है ओके, वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू। हाँ, सिमिट्री का असिमिट्री हो जाएगा राहुल कुमार जी, जो स्क्यूनेस है आपका वो असिमेट्री हो जाएगा। प्रियंका जी, जो मीन माइनस मोड आप स्टैंडर्ड डेविएशन वाला बोल रहे हो, ये रिलेटिव आप बोल रहे हो। ठीक है, जो आपका स्क्यूनेस है रिलेटिव वाला बोल रहे हो, बट जो आपका एब्सोल्यूट स्क्यूनेस हो जाएगा वो ओनली मीन माइनस मोड हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ओनली मीन माइनस मोड हो जाएगा एब्सोल्यूट स्क्यूनेस, और आपका रिलेटिव वाला हो जाएगा मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक
ठीक है, और वो भी हमारा आपका मोड वाला हो जाएगा, पियर्सन कॉफिशेंट वाला है, ठीक है, जहां पे कॉफिशेंट लगे इट मीन्स कि वो रिलेटिव आ गया। क्लियर है सबको? नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? हाँ जी, चलिए करते फिर स्टार्ट। कोरिलेशन कॉफिशेंट, क्या मुझे कोई बताएगा कि कोरिलेशन का क्या मीनिंग है, क्योंकि मैंने पेपर वन में रिसर्च एप्टीट्यूड में भी करवाया आपको कोरिलेशन। जल्दी जल्दी बता दो प्लीज, और थोड़ा सा लंबा टॉपिक है आपका कोरिलेशन, ठीक है, इसके बाद हम रेग्रेशन करेंगे, वो छोटा सा है, फिर प्रोबेबिलिटीज करेंगे छोटे से, फिर आपके सेंट्रल थ्योरम, बायस थ्योरम, ये करेंगे, मीन्स इस वीक तो हो ही जाएगा आपका स्टेटिस्टिक्स कंप्लीट। ओके, और रिसर्च एप्टीट्यूड का मैं कुछ भी नहीं करवाने वाली आपका, क्योंकि वो रिसर्च एप्टीट्यूड में करवा रही हूँ, हाइपोथीसिस और हाइपोथीसिस टेस्टिंग, ठीक है, और आपका रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, और आपका प्राइमरी सेकेंडरी डाटा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा, सैम्पलिंग एंड आपका नॉन सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वो सारा का सारा मैं आपको पेपर वन में ही करवा रही हूँ, ठीक है, वो सारे के सारे आपका स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है। क्लियर है ना सबको? दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को बताता है जी कोरिलेशन। हाँ जी, वेरी गुड। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। वी वांट जेआरएफ इन जून 2024, यूनिट 5 आपकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स चल रही है, और अभी हम टॉपिक कर रहे हैं कोरिलेशन कॉफिशिएंट वाला। ओके सो प्लीज तैयार हो जाए सभी, अपने कान को, आंखों को खोल ले, दिमाग को खोल ले अच्छे से, और अपनी नोटबुक पेन भी ले ले साथ के साथ ही, नोट्स भी बनाते रहना, ठीक है, फॉर्मूले नोट डाउन करते रहना सभी। हाँ जी, द कोरिलेशन कॉफिशिएंट इज अ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट विच हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशन रिलेशन ठीक है, या रिलेशनशिप बिटवीन प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यू ऑब्टेन, या फिर इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इन स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कॉफिशिएंट एक्सप्लेन द एग्जैक्टनेस बिटवीन द प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यू वैल्यू मीन्स कि ये दोनों के रिलेशनशिप को बताता है, अगर मैं सिंपली बात करूँ, ठीक है, वो प्रिडिक्टेड वैल्यू हो या फिर वो एक्चुअल वैल्यू हो, एक्चुअल इनके रिलेशनशिप को बताता है कि कितना एग्जैक्ट इनमें आपस में रिलेशनशिप है या फिर नहीं है। अगर रिलेशनशिप है तो वो क्या हो जाएगा, और अगर रिलेशनशिप नहीं है बिल्कुल भी नहीं तो वो क्या हो जाएगा, कोई क्या मुझे बता सकता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रियंका जी, मीन माइनस मोड है जी आपका एब्सोल्यूट स्क्यूनेस। जल्दी से मुझे बताओ टाइप ऑफ कोरिलेशन मैंने आपको करवाया था पेपर वन में, जल्दी से बता दो मुझे। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, टाइप ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन था हमारा, ठीक है, और आपका जो कोरिलेशन है ये दिया किसने था पहले आपका, ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लो क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रांसिस, एक मिनट, फ्रांसिस आपका गैल्टन ने दिया था आपका, ठीक है, पहले किसने दिया था आपका ये? फ्रेंसिस गैल्टन ने, ठीक है, अपने पास नोट डाउन कर लो प्लीज सभी, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। और उसके बाद ये किसने दिया था आपका, इसके बाद आपका ये इसको दिया था कार्ल पियर्सन ने, और ये जो कार्ल पियर्सन थे इन्होंने काफी कुछ चीजें नई न्यू ऐड की थी यहाँ पर। ओके अच्छा, आपकी क्लास रहती है देखने के लिए, देख लेना प्रियंका जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया, और नोट्स भी बना लेना साथ के साथ। क्लियर है? पहले किसने दिया था? फ्रांसिस गैल्टन ने दिया था, और उसके बाद इसको कार्ल पियर्सन ने दिया था, ठीक है। कोरिलेशन भी आपका फ्रांसिस गैल्टन ने दिया, और रिग्रेशन भी आपको फ्रांसिस गैल्टन ने दिया, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए बता रही हूँ यहाँ पर। ओके जी, इतना क्लियर है सबको? अब मुझे जल्दी से बताओ टाइप ऑफ कोरिलेशन। हाँ, 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 हाँ
टू टाइप है, ओके। क्या नेम है टू टाइप्स जो है आपके कोरिलेशन के? पॉजिटिव एंड आपका नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है, टू टाइप्स आपके। और आपको एक और चीज एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, द कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो इसकी वैल्यू है वो -1 से स्टार्ट होती है और +1 तक जाती है। तो अगर एग्जाम में 0 वाला है, 0 एंड 1 वाला, ये क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो 0 नहीं आएगा, -1 हो जाएगा आपका टोटली नेगेटिव, ठीक है, और +1 हो जाएगा आपका टोटली पॉजिटिव, ओके। कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू इज पॉजिटिव, देन देयर इज अ सिमिलर एंड आइडेंटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, एल्स इट इंडिकेट द, ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो दोनों में क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप हो जाएगा और आपका हाँ ये वाला है आपका पॉजिटिव एंड आपका नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, और आपका सिंपल एंड पार्शियल एंड मल्टीपल हो जाएगा, लीनियर एंड नॉन लीनियर हो जाएगा। जब हमने पेपर 1 पढ़ा था वहां पे सिर्फ मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव और 0 कोरिलेशन करवाया था, क्या किसी को याद है? क्योंकि पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना ही इंपॉर्टेंट था, बट पेपर 2, ठीक है, आपका स्टेटिस्टिक्स वाला है, यहाँ पर आपसे सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल भी पूछा जाता है और लीनियर एंड आपसे नॉन लीनियर भी पूछा जाता है, ठीक है। अभी हम समझेंगे कि आपका पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है और आपका नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, ठीक है, और आपका 0 कोरिलेशन क्या है। प्लीज ध्यान देना, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या हो जाएगा आपका, कि जब आपके दोनों वेरिएबल जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, इट मींस कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाएगा। बट अगर हम नेगेटिव रिलेशनशिप की बात करें तो प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड क्या होती है आपकी, डिक्रीज हो जाएगी, तो आपका नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम 0 कोरिलेशन की बात करें, ठीक है, तो 0 कोरिलेशन का मतलब हो जाएगा कि जहां पे दोनों वेरिएबल्स के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके जी, इतना क्लियर है सबको पॉजिटिव नेगेटिव वाला? जब दोनों वेरिएबल्स के बीच कोई भी रिलेशन नहीं होगा तो आपका 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टडी, ठीक है, और हम इससे क्या मैच कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टडी और आपके क्लोथ, ठीक है, तो उसके बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। क्लियर है इतना सबको? यस या नो में प्लीज थम्स अप देते रहो मुझे साथ के साथ। अभी थोड़ी देर में वीडियो ऑन करती हूँ अपनी। पॉजिटिव फिलर फॉर्म स्टूडेंट, आपका नेम क्या है? अपना नेम लिख लिया करो, ज्यादा बेटर लगता है। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0 कोरिलेशन, ललिता, ठीक है जी, हाँ जी, ओके गुड। अब बात करते हैं आपका सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, सुनना प्लीज ध्यान से अब, ठीक है। देखो आपकी पॉजिटिव नेगेटिव एंड आपकी 0, सेम डायरेक्शन, ठीक है, बोथ वेरिएबल पॉजिटिव हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, लाइक आपका इंक्रीज इन प्राइस एंड डिमांड जो उससे डिक्रीज हो जाती है, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो इतना तो पता हो जाएगा होगा, ठीक है। और 0 कोरिलेशन, जब दोनों वेरिएबल्स के बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा, सपोज ये आपकी स्टडी है, ठीक है, और सपोज ये क्लोथ है, कपड़े हैं, तो इनके बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, 0 कोरिलेशन हो जाएगा। इतना क्लियर है तीनों टर्म? अब बात करते सिंपल, पूछा जाता है एग्जाम में। अब सिंपल कोरिलेशन वहां पे होगा जहां पे ओनली 2 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, ओनली 2 वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को देखा जाएगा, सिंपल हो जाएगा। पार्शियल कौन सा हो जाएगा, कि 2 वेरिएबल है, ठीक है, मीन्स 3 वेरिएबल है, पर जो तीसरा वेरिएबल है ना, इसको क्या करके रखा है, कंट्रोल करके रखा है, या फिर इसको कांस्टेंट, ठीक है,
कंट्रोल किया गया है या फिर इसको कांस्टेंट करके रखा है, मींस इसके ऊपर कुछ भी हम चेक नहीं कर रहे, बस ये है और इसको क्या रखा है, हमने रोक के रखा है, कंट्रोल करके रखा है, ठीक है। मल्टीपल क्या हो जाएगा कि मान लो दो वेरिएबल प्लस तीसरा वेरिएबल, इन इन इनका रिलेशनशिप हो जाएगा आपका मल्टीपल वेरिएबल, मींस मोर देन टू वेरिएबल इज मल्टीपल वेरिएबल, ओनली टू वेरिएबल इज सिंपल वेरिएबल, व्हेन टू वेरिएबल्स आर अवेलेबल, सॉरी व्हेन थर्ड वेरिएबल आर अवेलेबल, बट उसको क्या करके रखा है, कॉन्स्टेंट करके रखा है या फिर उसको कंट्रोल करके रखा है। मैम चिप्स खा रहे हैं मैम मैंने एडिट नहीं हो रहा। ओके प्रियंका जी चिप्स नहीं खा रही थी एक्चुअली, इसको पता नहीं क्या बोलते, मुझे भी नहीं पता क्या बोलते, अरे 5 रुपीज वाली कुल्फी है कुछ, 5 रुपये 5 वाली कुल्फी बोलते हैं इसको, वो खा रही थी। ब्लैक कॉफी ब्लैक ब्लैक ओरियो, ब्लैक ओरियो आइसक्रीम है। ओरियो आइसक्रीम है वो खा रही थी, बता देते आपको। ओके इतना क्लियर है सबको, अभी प्लीज मुझे बताओ। अब देखो दो वेरिएबल क्या हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपकी स्टडी, ठीक है, और आपकी हार्ड वर्क, ठीक है, ये दो एग्जाम दो वेरिएबल है, स्टडी एंड हार्ड वर्क, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्टडी प्लस हार्ड वर्क एंड प्लस आपका स्मार्ट वर्क। अब क्या हुआ कि यहाँ पर स्मार्ट वर्क को क्या रखा, रोक कर रखा, ठीक है, कांस्टेंट करके रखा, और मल्टीपल वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका, स्टडी प्लस हार्ड वर्क प्लस आपका स्मार्ट वर्क, ठीक है। इतना समझ आ गया सबको, यस या नो, क्लियर है इतना। अब बात करते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर वेरिएबल की, ये पूछा जाता है कमर्स में बहुत बार, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, अब ये मुझे तो लग रहा है कि ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, क्योंकि पेपर 1 में भी ये पूछा जाता है, पेपर 2 में भी, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन क्या है, लीनियर एंड आपका नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या है। लीनियर कोरिलेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आपका चेंज इन कॉन्स्टेंट, ओके, और नॉन लीनियर की अगर मैं बात करूं तो चेंज आपका जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, आपका जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होगा ना, ठीक है, वैसे वैसे आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होती जाएगी, ये हो जाएगा आपका लीनियर, ठीक है। ये जो मैं ग्राफ बना रही हूँ ये लीनियर वेरिएबल का है, ओके। और अगर मैं नॉन लीनियर की बात करूं तो इस तरह का हो जाएगा आपका नॉन लीनियर, ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखते हैं क्या ऑल्सो कॉल्ड कर्वी लीनियर कोरिलेशन, जो लीनियर कोरिलेशन उसको क्या बोला जाता है, कर्वी लीनियर, ये इस तरह का होता है, ठीक है। व्हेन द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द टू वेरिएबल इज नॉट कॉन्स्टेंट, नॉन लीनियर कोरिलेशन, ओके सॉरी, नॉन लीनियर कोरिलेशन को बोला जाता है कर्वी लीनियर। और व्हेन द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द टू वेरिएबल इज नॉट कॉन्स्टेंट, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जैसे आपका प्राइस डिक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी डिमांड इंक्रीज होगी, या फिर, ठीक है, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप कैसा है, कांस्टेंट है। अगर मेरा प्राइस इंक्रीज हो रहा है ना तो मेरी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर जो मेरा प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है तो मेरी डिमांड इंक्रीज हो रही है, ये क्या है, हमारा लीनियर है, ठीक है। लीनियर का मतलब कि एक साथ बढ़ या घट रहे हैं, ठीक है, चेंज जो इनमें हो रहा है वो कॉन्स्टेंट हो, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, चेंज इज कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा मेरा लीनियर। और चेंज इज बिटवीन द टू वेरिएबल इज नॉट कॉन्स्टेंट, वेन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल इज प्लॉटेड ऑन द ग्राफ एंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्कैटर प्लॉट टेंड टू लाई नियर टू स्मूथ कर्व, द कोरिलेशन इज नॉन लीनियर। ओके जी इतना क्लियर है। अच्छा नॉन लीनियर का ही दिया इसमें, आज मेरी पीपीटी किस तरह की बनी है। लीनियर का चलो मैंने बता दिया आपको, वैसे मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है, ये लीनियर वाला हो जाएगा मेरा, और ये इस तरह का ग्राफ होता है नॉन लीनियर का, क्लियर है इतना। अब टाइप्स ऑफ आपके पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कर्वी लीनियर सिंपल आपका नॉन लीनियर सब कुछ क्लियर है, मल्टीपल क्लियर है इतना सारा, हाँ जी यस या नो, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपको एक और चीज मुझे बतानी थी, ओके, ये आपका कार्ल पियर्सन वाले मेथड में बता देंगे, कोवेरियंस वाला, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज, कोरिलेशन कॉफिशेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इसके बाद हम करेंगे इसके कुछ मेथड्स, ओके जी, हाँ जी गुड।
प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। द कोरिलेशन कॉफिशियंट इज ऑल अबाउट एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ये क्या है, की पॉइंट है या फिर की वर्ड है, ठीक है। अगर देखो रिलेशनशिप की बात आएगी तो वो हो जाएगा आपका कोरिलेशन। बट अगर कॉज एंड इफेक्ट की बात आएगी ना दोनों वेरिएबल्स में, तो वो हो जाएगा आपका रिग्रेशन। क्लियर है, ये भी हम पढ़ेंगे। ओके, इतना क्लियर है। रिलेशनशिप की बात आ जाएगी आपका कोरिलेशन हो जाएगा, बट अगर कॉज एंड इफेक्ट की बात हो जाएगी या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल में देखा जाएगा, तो वो आपका रिग्रेशन एनालिसिस हो जाएगा। ओके जी, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कोरिलेशन कॉफिशियंट आर एज फॉलोज। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी पॉजिटिव, नेगेटिव, सिंपल, पार्शियल, आपका मल्टीपल, लीनियर एंड नॉन लीनियर से पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाएगा। लीनियर और नॉन लीनियर में आप बस एक चीज याद रखना, जब चेंज जो है आपका वो कांस्टेंट है, ठीक है, चेंज इज कांस्टेंट तो आपका लीनियर, और व्हेन चेंज इज नॉट कांस्टेंट तो मींस कि जो वेरिएबल्स में चेंज होगा वो अगर कांस्टेंट है तो लीनियर हो जाएगा, लीनियर कोरिलेशन हो जाएगा। बट अगर आपका जो वेरिएबल्स में है वो चेंज कांस्टेंट नहीं है तो नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है, इतना याद रख लेना। अब देखो, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। द कोरिलेशन कोफिशिएंट रिमेन्स इन द सेम मेजरमेंट एंड व्हिच मेजरमेंट एज इन विच द टू वेरिएबल्स, ठीक है, उन दोनों के बीच क्या देखा जाता है, रिलेशनशिप देखा जाता है, सेम मेजरमेंट, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। द साइन दैट कोरिलेशन ऑफ कॉफिशेंट है विल ऑलवेज बी द सेम एज द वेरियंस। वेरियंस की तरह इसका साइन होता है आर, ठीक है, और वेरियंस का भी क्या था हमारा। उसके बाद हम देखते हैं द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, -1 एंड +1, ये प्लीज याद रख लो, एग्जाम में पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा 0 एंड 1, या फिर 0 एंड -1, ठीक है, या फिर 0 एंड +1, इस तरह से। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, आपका राइट आंसर हो जाएगा -1 एंड +1। ओके, इतना क्लियर है सबको। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ कॉफिशियंट सुजेस्ट दैट द कोरिलेशन इज स्ट्रॉन्ग एंड नेगेटिव। देखो जो आपका कोरिलेशन है इसको किससे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे, और ये किसने बताया था हमें, कार्ल पियर्सन ने बोला था, ठीक है, कि आर से हमेशा डिनोट होगा आपका कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ कॉफिशियंट सुजेस्ट दैट द कोरिलेशन इज स्ट्रॉन्ग एंड नेगेटिव इफ एंड इफ आर गोज ऑन अप्रोचिंग -1, देन इट मीन्स द रिलेशनशिप इज गोइंग टूवर्ड द नेगेटिव साइड। अगर जो आपका -1 है, इट मीन्स कि वो क्या है, स्ट्रॉन्गली नेगेटिव है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। When R approaches the side of +1, then it means the relationship strong and positive. ठीक है, strong है और positive है। By this we can say that if one is the result of the correlation, the relationship is positive state. ठीक है, अगर मेरा +1 है तो simply मैं बात बोलूंगी strongly positive. ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलूंगी, सिंपल बोलूंगी। अगर देखो -1 है, ठीक है, इतना आपको पढ़ाने से बढ़िया है कि मैं आपको एक लाइन में ही चीजों को लर्न करवा दूं, ठीक है। 10 लाइनें पढ़ने से बेटर है कि सिर्फ एक लाइन में आपको बता दूं कि हाँ इसका ये मतलब है। +1 इट मीन्स कि स्ट्रांगली नेगेटिव, ठीक है, और आपका +1 इट मीन्स कि स्ट्रांगली पॉजिटिव, ठीक है, नेम से ही क्लियर है। प्लस मतलब पॉजिटिव और माइनस वाला मतलब नेगेटिव, इस तरह से इसका निमोनिक याद कर लेना। द वीक कोरिलेशन सिग्नल्ड व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अप्रोचेस 0। अगर वीक है, ठीक है, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब हम बोलेंगे कि ये वीक है। व्हेन आर इज नियर 0 देन वी विल डिड्यूस दैट द रिलेशनशिप इज वीक। अब देखो मुझे एक और चीज आपको बतानी है, जब हम मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन करेंगे या फिर जब हम मेथड्स ऑफ कोरिलेशन करेंगे तो वहां पर आता है आपका एक स्कैटर डायग्राम, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका स्कैटर डायग्राम है वो कहाँ बनता है, वो बनता है कोरिलेशन में। ओके, तो अगर देखो, अगर मान लो ये है मेरा पॉजिटिव साइड, ठीक है, जो इसके साइड ये बिंदु बिंदु से आ रहे हैं ना, अगर ये इसके बहुत पास पास है तो हम बोलेंगे कि ये ना पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव है। बट अगर देखो ये बनेगा मेरा नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, जब दोनों ऑपोजिट साइड हो जाएंगे, तो अगर ये इसके दूर दूर है ना, ठीक है, ये जो बन रहे गोले गोले से लगा रहे हो, इसको बोलेंगे वीक कोरिलेशन है, ठीक है, मतलब कम, अगर थोड़े दूर, अगर और अगर बहुत ही ज्यादा दूर हो गए, मान लो इतने इतने हो गए, ठीक है, तो हम बोलेंगे 0 कोरिलेशन, ठीक है, जो इसकी रेंज है वो बहुत ज्यादा 0 है। ओके, क्लियर है। स्ट्रॉन्गली वीक की बात आ जाएगी तो 0 कोरिलेशन हो जाएगा, इतना क्लियर है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ जी, ओके।
कोरिलेशन कॉफिशियंट कैन बी वेरी आपके बिकॉज वी कैन नॉट से वेदर द पार्टिसिपेंट आर ट्रूथफुल और नॉट द कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन वी इंटरचेंज द टू वेरिएबल्स. ठीक है, अगर दोनों वेरिएबल्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. द कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन इज अ प्योर नंबर विदाउट द इफेक्ट ऑफ एनी यूनिट्स ऑन इट. इट ऑल्सो डज नॉट गेट अफेक्टेड वेन वी एड द सम नंबर टू ऑल द वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल. वी कैन मल्टीप्लाई ऑल द वेरिएबल्स बाय द सेम पॉजिटिव नंबर इफ वी नॉट अफेक्ट द कोरिलेशन कॉफिशियंट एज वी डिस्कस्ड आर इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी यूनिट. अगर मैं सिंपली बात करूँ ना तो इसका मतलब पता है क्या है, जो आपका कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन है ये इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजन एंड आपका इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल है. मीन्स अगर इसको प्लस माइनस करते तो भी फर्क नहीं पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते तो भी फर्क नहीं पड़ेगा. ये हो जाता है आपका ऑरिजन, ठीक है, और ये है आपका स्केल. तो जो आपका कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन है ये है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजन एंड आपका स्केल. ठीक है, और अगर मैं बात करूं कॉफिशियंट ऑफ आपकी सॉरी अगर मैं बात करूं डिस्पर्शन की, तो जो आपका डिस्पर्शन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है, ठीक है, और डिपेंडेंट ऑन स्केल है. ओके, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे बहुत बार. बाकी मैं आपको ये जब हमारा ये कॉफिशियंट वाला क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और हमारा रिग्रेशन वाला हो जाएगा, डिस्पर्शन वाला तो करवा दिया आपको, फिर मैं आपको इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल वाला एक लिस्ट बना के दूंगी, ठीक है, रेंज वाला, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है. अभी बस इतना याद रख लो, जो आपका कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड आपका इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल है. ठीक है, और जो डिस्पर्शन और रिग्रेशन वाला है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन तो है बट डिपेंडेंट ऑन स्केल है. ठीक है, बता देती हूँ फिर भी, चलो आपको नोट डाउन कर लो. ये है हमारा ओरिजिन, ये है हमारा स्केल. अगर मैं कोरिलेशन की बात करूं तो ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड आपका स्केल है. मीन्स इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से. लेकिन अगर मैं डिस्पर्शन और रेग्रेशन की बात करूं तो ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन तो है, इंडिपेंडेंट, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस माइनस है, बट डिपेंडेंट किस पे है, स्केल पे. ठीक है, बट डिपेंडेंट ऑन स्केल, मल्टीप्लाई से इसको फर्क पड़ेगा डिस्पर्शन और रिग्रेशन को. ठीक है, नोट डाउन कर लो, एग्जाम में पूछा जाता है. वैसे मैं करवाऊंगी इसको पूरा, रेंज वाला भी करवाऊंगी आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला भी करवाऊंगी, ओके, मीडियन वाला भी करवाऊंगी आपको. इतना क्लियर है सबको, यस या नो? अब हम बात करते हैं, वी यूज कोरिलेशन फॉर मेजरिंग द एसोसिएशन बट दैट डज नॉट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉजेशन बाय दिस. वी सिंपली मीन दैट वी व्हेन वी आर कोरिलेटिंग द टू वेरिएबल देन इट माइट बी पॉसिबिलिटी दैट द थर्ड वेरिएबल मे बी इन्फ्लुएंसिंग देम. ये भी कुछ खास नहीं है, हम सहसंबंध को मापने के लिए सहसंबंध का उपयोग करते हैं. अभी हम ये भी करेंगे, एसोसिएशन वाला आपका, ठीक है, एट्रीब्यूट ऑफ एसोसिएशन वाला भी. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कार्य कारण के बारे में बात कर रहे हैं. इससे हमारा तात्पर्य केवल यह है कि जब हम दो चरों को सहसंबंधित कर रहे हैं तो यह संभावना हो सकती है कि तीसरा चर उन्हें प्रभावित कर रहा हो. ठीक है, जैसे कि हमने पार्शियल में किया था. ओके, तीन वहां पे हमने वेरिएबल्स ले लिए थे. क्लियर है, इतना क्लियर है सबको, यस या नो? अब हम बात करते हैं साइज ऑफ कोरिलेशन, या सम टाइम आपको एग्जाम में पूछा जाता है डिग्री ऑफ कोरिलेशन. ठीक है, क्या पूछा जाता है सम टाइम, डिग्री ऑफ कोरिलेशन. अच्छा, अगर मैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करूं तो डिग्री में आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा और आपका जीरो आ जाएगा. और अगर मैं आपका डिग्री ऑफ वेरिएशन की बात करूं, हाँ, तो फिर वहां पर आ जाएगा आपका सिंपल और आपका सिंपल पार्शल एंड आपका मल्टीपल कोरिलेशन. और अगर मैं एलजेब्रिक या फिर मैथमेटिकल कोरिलेशन की बात करूं तो वहां पर आपका कार्ल पियर्सन आ जाएगा, रैंक आ जाएगा. अभी करवा रही हूँ आपको, टेंशन मत लेना, कार्ल पियर्सन स्पीयरमैन रैंक वाला. और आपका थर्ड वन आ जाएगा कंक्रेट कंक्रंट वाला. ठीक है, अगर मैथमेटिकल और एलजेब्रिक की बात करूं तो. ओके, अब देखो, अब देखते हैं हम डिग्री ऑफ आपका कोरिलेशन या फिर साइज ऑफ कोरिलेशन. ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें जो साथ साथ बताती जा रही हूँ आपको, ठीक है, नोट डाउन करते रहना. आपका जो वेरी हाई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका 9:1 वाला. ठीक है, 90 प्लस
टू आपका वन वाला हो जाएगा वेरी हाई, और वेरी आपका नेगेटिव, ठीक है, वेरी हाई पॉजिटिव, या तो ये पॉजिटिव होगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में हाई और लो वाला, या फिर ये अगर माइनस में आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, प्लस वन आपका क्या है, आपका प्लस प्लस वन है आपका पॉजिटिव, और माइनस वन आपका क्या है, माइनस वन है आपका नेगेटिव, ठीक है। अब ये हाई किस गिनती में होगा, अगर हाई है ठीक है तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 9200, ठीक है, मतलब 1.00, ठीक है, 0.90 माइनस 1.00 हो जाएगा आपका पॉजिटिव, वेरी हाई वाला। और अगर आपका माइनस 90 है, 0.90, और माइनस आपका 0.100 है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, कौन सा, हाई वाला, ठीक है, वेरी हाई वाला। और अगर पूछेगा ओनली हाई, तो आपका हो जाएगा 0.70 to 0.90, ठीक है, और -0.70 to -0.90 मींस नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, हाई पॉजिटिव और आपका नेगेटिव हाई नेगेटिव कोरिलेशन। इतना क्लियर है, इसको नोट डाउन करते रहो, साथ साथ यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। अगर हम मॉडरेट की बात करें, ये सारी की सारी ईच एंड एवरी लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी हाई भी पूछा गया है, ओनली हाई भी पूछा गया, मॉडरेट भी पूछा गया, लो भी पूछा गया, और जेबल कोरिलेशन भी पूछा गया है, ठीक है, ये सारा का सारा एग्जाम में पूछा गया है आपसे। फिर अगर मैं बात करूं ये मॉडरेट वाला, तो 0.50 to 0.70 हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाला हो जाएगा मॉडरेट, और ये आपका नेगेटिव वाला हो जाएगा मॉडरेट। और अगर मैं बात करूं 0.30 to 0.50 की, ठीक है, तो ये लो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाला हो गया, ठीक है, और लो है ये मॉडरेट है, ये हाई है, और ये वेरी हाई है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव देख लेना जहाँ पे प्लस और माइनस का साइन लगा होगा। और अगर मैं निगलिजिबल की बात करूँ, तो वो 0.0 से 0.2 आपका 30 वाला हो जाएगा, ठीक है, ये आपका निगलिजेंस। ओके, तो ये कुछ डिग्री है जो आपको याद करनी है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं मेथड्स टू कैलकुलेट कोरिलेशन, ठीक है। अब आपका जो मेथड्स है, एक तो आपका ग्राफिकल मेथड है ए, और आपका एक बी है, ठीक है, ये आपका मैथमेटिकल मेथड, या फिर इसको एलजेब्रिक मेथड भी बोला जाता है। ओके, आपसे चाहे एलजेब्रिक मेथड बोल लिया जाए, चाहे मैथमेटिकल बोल दिया जाए, ठीक है। तो जो आपका कार्ल पियर्सन वाला है, ये तो मुझे लगता है कि कल ही हम कवर कर पाएंगे, बट आज मैं आपको पियर्सन वाला और कंकरेंट वाला, और आपको ग्राफिकल और आपको स्कैटर वाला तो बता ही दूंगी। क्लियर है जी इतना? ओके, अब हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, एक तो आपका स्कैटर डायग्राम, या फिर इसको स्कैटर ग्राम भी बोला जाता है, और एक आपका सिंपल ग्राफ, और इसको ग्राफिक मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? यस या नो? मैम, बॉबले का नहीं पढ़ना है क्या? समझ नहीं आया मुझे। कार्ल पियर्सन का पढ़ना है? नहीं, वो जो आपका स्क्यूनेस वाला करवाया था ना मैंने आपको, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, वो वहां पे था आपको, बॉबले का वो करवा दिया है आपको। आप प्लीज रिकॉर्डेड क्लास देख लेना एक बार, कार्ल पियर्सन का पढ़ाऊंगी आपको, क्योंकि थोड़ा लंबा मेथड है ना, उसमें स्टैंडर्ड एरर, प्रोबेबल एरर, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है, करवाऊंगी वो भी डेफिनेटली, देखते हैं ना अकॉर्डिंग टू टाइम, क्योंकि कार्ल पियर्सन का काफी थोड़ा लंबा मेथड है। बाकी आपका रैंक वाला और आपका कंकरेंट वाला शॉर्ट मेथड है, तो 6 बजे तक ही क्लास होती है, तो मुझे उसी हिसाब से करवाना पड़ेगा फिर, ठीक है। कल आपका रेग्रेशन और कार्ल पियर्सन वाला करवा दूंगी मैं। अब देखो यहाँ पे, और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाला वाला भी कल ही हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, क्योंकि ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, अब बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। एक है हमारा स्कैटर डायग्राम, ठीक है, और सिंपल ग्राफ। अभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका स्कैटर डायग्राम है वो किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोरिलेशन से। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं यूजीसी नेट में। अब देखो, ये आपका ग्राफिक मेथड सिंपल जो है, वहां पे ग्राफ में बता दिया गया है, ठीक है, इस तरह का ग्राफ बना और सिंपल बता दिया गया है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। स्कैटर डायग्राम ये वाला, ठीक है, ये दिख रहा है आपको बिंदु 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 से, इसको क्या बोलेंगे हम, स्कैटर, ये वाला हो जाएगा हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा हमारा नेगेटिव कोरिलेशन। देखो यहाँ पे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। हाँ, अब देखो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अगर तो स्ट्रांगली पूछा गया, ठीक है, स्ट्रांगली पॉजिटिव प्लस वन, ठीक है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा प्लस वन, ठीक है, और परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन माइनस वन, या फिर स्ट्रॉन्गली नेगेटिव कोरिलेशन माइनस वन, या फिर ओनली नेगेटिव कोरिलेशन माइनस वन, ठीक है, किसी भी तरह से लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव। अब देखो ये जो बिंदु है आपको दिख रहे हैं, ये कितने बिखरे हुए हैं, ये क्या है, लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है,
लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन आपको दिख रही है, ये बिंदु कितने बिखरे हुए ये ही मुझे आपको बताना था। हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स कि अगर इसके साथ है बिल्कुल, ठीक है, ये जो लाइन बनती है इसके साथ अगर ये बिंदु बिंदु है तो ये हाई पॉजिटिव हो जाएंगे, हाई नेगेटिव हो जाएंगे। अगर इसके साथ है ये बिंदु बिंदु, ये हाई नेगेटिव हो जाएंगे, नो कोरिलेशन हो जाएगा इस तरह का, ना तो ये इधर को जा रहा है ना ये इधर को जा रहा है, मतलब दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। और ये भी आपका लो नो कोरिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नो कोरिलेशन को हम क्या बोलेंगे, जीरो। जब कोई भी कोरिलेशन नहीं है तो वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, जीरो। ओके जी, #55 ये वीडियो नहीं देख रहा है। अच्छा, नहीं दिख रहा है ये वीडियो, क्यों? स्टार्टिंग से देखो, क्या पता लास्ट में 1 घंटे की क्लास होती है ना, सम टाइम ऐसा होता है कि वो चलती चलती रहती क्लास, दो दो ढाई ढाई घंटे की हो जाती है ना, क्योंकि लाइट चली गई थी जिस वजह से मैं एंड नहीं कर पाई थी। स्कैटर डायग्राम का पता लग गया सबको, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो का पता लग गया। चले फिर नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल मेथड्स, ठीक है। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड और कार्ल पियर्सन मेथड, ठीक है। सबसे पहले आपका कोरिलेशन किसने दिया था, फर्नांसिस आपका गैल्टन ने दिया था, और रिग्रेशन भी आपका फर्नांसिस गैल्टन ने दिया, लेकिन उसके बाद आपका डेवलप किया था कोरिलेशन किसने, कार्ल पियर्सन ने, ठीक है। अच्छा, नहीं दिख रही है वीडियो। आप ललिता जी, आप फिलर फॉर्म को बोलना, ठीक है, फिलर फॉर्म की टीम को बोलना, आपके पास नंबर होगा कि हमें कॉमर्स की वीडियो नहीं मिल रही है, ठीक है। लाइव क्लास में जा करके हमने चेक किया है तो हमें नहीं वीडियो मिल रही है, तो आपका आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ओके। क्योंकि ये उनका काम है ना, बैक एंड की जो टीम है, ठीक है, ऑफलाइन जो टीम है फिलर फॉर्म की, वो अपलोड करते हैं, अपडेट करते हैं पीडीएफ का, ओके जी। ओके सो अब हम करते हैं स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा जाता है और कंकरेंट, ठीक है। अब देखो, आपके मेनली आपकी 3, 2, 4, 5 मेथड है आपके मेनली, ठीक है। एक आपका ग्राफिकल मेथड, जिसमें हमारा एक तो स्कैटर वाला और एक सिंपल ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। और एक है आपका मैथमेटिकल मेथड, या फिर इसको एलजेब्रिक मेथड भी बोला जाता है, जिसमें कि आपका कार्ल पियर्सन है, स्पीयरमैन है और कंकरेंट है। अब आपको देखो, डिस्पर्शन के भी आपको सारे याद रखने पड़ेंगे कि डिस्पर्शन में क्या क्या थे मेजर ऑफ आपके, डिस्पर्शन में, ठीक है, एब्सोल्यूट था और रिलेटिव था। स्क्यूनेस का भी आपको याद करना पड़ेगा कि क्या क्या मेथड थे आपके स्क्यूनेस के, ठीक है। और आपको कोरिलेशन के भी आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन से मेथड है, बाकी रिग्रेशन में तो है नहीं कुछ खास, ठीक है। रिग्रेशन में तो फॉर्मूले ही है कोरिलेशन कोफिशिएंट के। अगर मैं डिस्पर्शन की बात करूँ तो यहाँ पे रेंज था, एब्सोल्यूट में रेंज हो जाएगा, ठीक है। यस, और अगर मैं बात करूँ रिलेटिव की तो कॉफिशेंट ऑफ रेंज हो जाएगा, ठीक है। इनके फॉर्मूले हाई एंड माइनस लो वाला था आपका, और कॉफिशेंट में हाई माइनस लो, ठीक है। और आपका अपॉन रिलेटिव में क्या हो जाएगा, ओनली रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जब हम रेशियो में ले रहे हैं या फिर जब हम परसेंटेज में ले रहे हैं, ठीक है, तो वो रिलेटिव हो जाता है हाई प्लस लो, ओके। और ये रेंज वाला था, वेरियंस था आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन था आपका, ठीक है, क्वार्टल डेविएशन था और मेन डेविएशन था, ठीक है। ये थे आपके, और कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन भी, ठीक है, वहां से आपका एग्जाम में न्यूमेरिकल बेस्ड भी बनता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन इंटू 100, ये है शायद आपका फॉर्मूला, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन का करवा दिया मैंने आपको क्लास में, हाँ जी, रेंज, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन, ओके। और अगर मैं बात करूँ स्क्यूनेस के, मेजर्स कौन कौन से थे आपके स्क्यूनेस में, आपका था पियर्सन कॉफिशेंट वाला, ठीक है, मीन और मोड वाला था, पियर्सन कॉफिशेंट वाला, और एब्सोल्यूट था आपका स्क्यूनेस, मीन माइनस मोड, ठीक है, ये पूछा जाता है। और बॉले का था आपका, ठीक है, क्वार्टल क्यू वाला, ठीक है। कैली का था आपका डिसाइल और परसेंटाइल वाला, और कौन सा था आपका, बॉले, कैली, और कौन सा था, मोमेंट बेस्ड था, ठीक है, ये था आपका स्क्यूनेस का। कोरिलेशन की अगर मैं बात करूं, एक तो आपका ग्राफिक है, ठीक है, मेथड, और एक आपका मैथमेटिकल है या फिर एलजेब्रिक है। ग्राफिकल में आपका एक तो सिंपल ग्राफ है और एक स्कैटर है, जो एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। मैथमेटिकल में आपका कौन सा है, कार्ल पियर्सन है, रैंक वाला है और कंकरेंट वाला है। अब बताओ मुझे, भूलोगे तो नहीं कभी भी, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि मेजर्स ऑफ आपके स्क्यूनेस या फिर डिस्पर्शन या फिर कोरिलेशन आपका मिक्स कर दिया जाए और उसमें से आपको पूछा जाए कि इसमें स्क्यूनेस के मेजर्स बताओ या फिर डिस्पर्शन के टाइप्स बताओ, इस तरह का, हाँ जी। और इनके फॉर्मूलेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये करवा चुकी हूँ तो प्लीज रिवीजन कर लेना,
पूछे जाएंगे एग्जाम में। रेंज का तो वैसे बहुत इजी है फॉर्मूला, क्वार्टर डेविएशन का भी बहुत इजी है, मीन डेविएशन का भी आपका बहुत इजी है, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी वैसे आपका इजी है, ठीक है। और कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस का भी कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और फॉर्मूला भी पूछा जाता है। ओके जी, इतना क्लियर है सबको। अब हम बात करते हैं स्पीयर्समैन कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन, जिसके जिसमें आपका रैंक है, ठीक है। देखो, एक तो है रैंक, रैंक इज डिफरेंट और रेंज इज डिफरेंट, तो कंफ्यूज मत होना। रेंज आपकी डिस्पर्शन वाला मेथड है, ठीक है, और रैंक आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाला मेथड है। क्लियर है सबको, इसमें मत कंफ्यूज होना। इसके भी फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं ज्यादातर। हाँ, स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन, अब ये भी पूछा जाता है कि जो आपका रैंक कोरिलेशन है वो किसने दिया था, ठीक है। स्पीयर्समैन किसने दिया था आपका, स्पीयर्समैन ने दिया था, ठीक है। एक है आपका पियर्सन और एक है आपका स्पीयर्समैन, ये दोनों अलग है, क्लियर है। कार्ल पियर्सन है, ठीक है, और स्पीयर्समैन है। तो पियर्सन वाला तो मैं आपको करवा दूंगी कल, ठीक है। आज करेंगे स्पीयर्समैन, इन्होंने कौन सा दिया था, रैंक और रिलेशन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप आपने +1 +2 में किए होंगे, ये ग्रेजुएशन में भी किए होंगे और मास्टर्स में भी किए होंगे, यस या नो। अभी आपके ये हो जाएगा कि रिविजन हो जाएगा। स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट और स्पीयर्समैन रैंक डिफरेंस मेथड, इसको डिफरेंस भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होना कि आपको कोफिशिएंट कोरिलेशन ना दे करके डिफरेंस मेथड दिया गया तो आप क्या करोगे, ठीक है। और फॉर्मूला इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एंड वाज डेवलप्ड इन 1904, ठीक है, 1904 बाय चार्ल्स एडवर्ड स्पीयर्समैन। किसने दिया था ये, 1904 में दिया था चार्ल्स एडवर्ड एडवर्ड स्पीयर्समैन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। इन अदर वर्ड्स, द फॉर्मूला डिटरमाइन द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल लाइक ब्यूटी, एबिलिटी, ऑनेस्टी एक्सेट्रा हुज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर दीज एट्रीब्यूट आर रैंक्ड और पुट इन द ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके ऑर्डर को बताता है वो कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रैंक, ठीक है। जो हमारा स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये हमारा बताता है ऑर्डर, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि जब मैंने आपको स्केल्स करवाए थे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल, जो हमारा ऑर्डिनल स्केल होता था वो हमारा क्वालिटेटिव था कि क्वांटिटेटिव था, जल्दी से बताओ। किसी की ऑनेस्टी को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते नंबर्स में, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये 1 किलो ऑनेस्ट है या फिर ये 2 किलो ऑनेस्ट है या फिर ये 1 लीटर ऑनेस्ट है या 2 लीटर ऑनेस्ट है, इस तरह से हम नहीं मेजर कर सकते ना। हम तो रैंक दे सकते हैं कि इसको ये जो है इसको फर्स्ट रैंक दे देते हैं और इसको सेकेंड रैंक दे देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, राहुल जी को फर्स्ट रैंक ऑनेस्टी के लिए, प्रियंका जी को सेकेंड रैंक ऑनेस्टी के लिए, ठीक है, इस तरह से। हाँ जी, क्वालिटेटिव था आपका नॉमिनल एंड ऑर्डिनल वाला। तो अगर हमें ऑर्डिनल पूछा गया है क्योंकि एग्जाम में कि जो आपका ऑर्डिनल वाला है वो स्पीयर्समैन के रैंक को रिलेशन को बताता है, कार्ल पियर्सन को बताता है, कनग्रेंट को बताता है, किसको बताता है, तो आपका राइट आंसर एग्जैक्टली हो जाएगा रैंक को रिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। इतना क्लियर है सबको। जैसे कि मान लो किसी की ब्यूटी है तो हम उसमें भी रैंक दे सकते हैं ना कि ये इतना ज्यादा सुंदर है, फिर ये फर्स्ट रैंक पे आएगा, ये सेकेंड रैंक पे आएगा, ये थर्ड रैंक पे आएगा। ओके, अब यहां से क्वेश्चन बनता है फॉर्मूला, बस बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपके, तो ज्यादा परेशान मत होना कि मैम कोरिलेशन है इसमें तो ग्राफिकल मेथड है, मैथमेटिकल मेथड्स है, हम क्या करें, हम इतनी सारी चीजें किस तरह से याद रखेंगे। बिल्कुल छोटा छोटा है, ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला, वैसे तो देखो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है यूजीसी नेट का, ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके पास 4 ऑप्शन आएगी, तो 3 ऑप्शन आपकी गलत होगी और 1 ऑप्शन आपकी सही होगी, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, अंदाजा होना चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला एग्जैक्टली। और सबसे ज्यादा अगर बड़ा फॉर्मूला तो वो किसका है, कार्ल पियर्सन का, तो मैंने तो इस तरह से याद किया था, सेकेंड ईयर में पढ़े हैं, हाँ जी पढ़े हैं, ठीक है। ओके, अब ये है आपका पी है आपका स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, और 1 तो इसमें ऑलरेडी आएगा, ठीक है, और 6 भी आपका कांस्टेंट है, ये भी 6 भी आता है, ठीक है, और सिग्मा डी 2 i, ठीक है, और n n का स्क्वायर -1, ये है आपका, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द 2 रैंक्स ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, n हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और d हो जाएगा आपका डिफरेंस बिटवीन द 2 रैंक्स ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन। अब देखो +1 +2 में तो हमें ये सॉल्व करने के लिए भी आता था, याद है किसी को, ग्रेजुएशन में भी हमें ये सॉल्व करने होते थे इसके न्यूमेरिक, ठीक है, बट यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूले आएंगे इसके। इतना क्लियर है, न्यूमेरिकल आएगा आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आपका मीन और आपका 100 × 100, यही है जहां तक मुझे लग रहा है। लेट मी चेक वंस अगेन,
हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अपॉन आपका मीन और हो जाएगा आपका इंटू 100, और अगर कॉफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाएगा तो कॉफिशियंट ऑफ आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बता देती हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। एक और बार नोट नोट डाउन कर लो, ये बता रही हूँ मैं आपको, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन वाला है। ठीक है, यहाँ पे बता रही हूँ आपको कॉफिशियंट ऑफ आपका स्टैंडर्ड मीन डेविएशन वाला तो मैंने बता दिया था ना आपको, क्वार्टल भी रेंज भी बता दिया था, है ना। वैसे तो शायद स्टैंडर्ड डेविएशन वाला भी बता दिया था, बट फिर भी नोट डाउन कर लो एक बार। ठीक है, जहाँ पे आप अपने डिस्पर्शन के नोट्स बनाए ना वहां पे कर लो। कॉफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूमेरिकल वाला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, इसकी भी वैल्यू दी होगी न्यूमेरिकल में और मीन की वैल्यू भी दी होगी, बस आपको अपॉन करना होगा। जैसे मान लो 30 दी होगी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू और 5 दी होगी सपोज मीन की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6, आपका राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन में दी होगी। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कॉफिशियंट ऑफ आपका वेरिएशन, तो इसका इसका जो फॉर्मूला है आपका नोट डाउन कर लो प्लीज अपने पास, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकली भी, या तो फिर आपसे ये पूछा जाएगा आपका फॉर्मूला पूछा जाएगा या न्यूमेरिकली। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी दी होगी फॉर एग्जांपल 30, ठीक है, और मेन की वैल्यू भी दी जाएगी फॉर एग्जांपल 5 और इनटू आपका 100। ठीक है, ये भी आपको वैल्यू दी होगी। क्लियर है इतना? और फिर इसको सॉल्व करके बस आपका आ जाएगा आंसर। यस, हाँ जी, इतना क्लियर है। अच्छा, रैंक कोरिलेशन वाला आपका क्लियर हो गया। रेंज इज डिफरेंट, रेंज हमने किस में बात की थी? डिस्पर्शन में। और रैंक की किस में बात करेंगे हम? कोरिलेशन में, स्पीयर्समैन वाला। ठीक है, 40 आपका स्पीयर्समैन वाला रैंक कोरिलेशन हो जाएगा, 40 एडवर्ड आपका स्पीयर्समैन। इतना क्लियर है सबको? अब हम बात करते हैं आपका कंकरेंट। ओके जी, हाँ जी, अब हम बात करते हैं आपकी कंकरेंट वाला। अंडर दिस मेथड वी ओनली कंसिडर द डायरेक्शंस ऑफ डेविएशंस, वी इफ डेविएशंस ऑफ टू वेरिएबल आर कंकरेंट देन द मूव इन द सेम डायरेक्शन अदरवाइज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। कंकरेंट में हम बात करते हैं सिर्फ डायरेक्शन की, कि जो हमारा कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, डायरेक्शंस की बात करेंगे हम। इतना क्लियर है सबको कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है? तो इसका जो फॉर्मूला है आर, आपको पता है आर हमारा क्या होता है? कोरिलेशन होता है। किसने बोला था आर? कार्ल पियर्सन ने बोला था। ठीक है, प्लस माइनस, और ये हमने फॉर्मूले लगाए भी है। ठीक है, आपको प्लस माइनस 2c - n अपॉन आपका n ब्रैकेट में, ये आपका राइट आंसर राइट फॉर्मूला हो जाएगा, वेयर एन नंबर ऑफ पेयर ऑफ सैंपल, सी नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशन, और एग्जांपल नंबर ऑफ प्लस साइंस इन दी। अब जैसे देखो हम किस तरह से, किसी को अगर न्यूमेरिकली याद होंगे, ठीक है, जब हमने किए होंगे तो एक प्लस का साइन होता था और एक माइनस का साइन होता था, इस तरह से करते थे ना। हाँ, सी निकलता था, हाँ जी, प्लस और माइनस का होता था और उसमें सी निकल जाता था हमारा। क्लियर है? कंकरेंट वाला सबको क्लियर है, रैंक वाला सबको क्लियर है। अब ये कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कोरिलेशन में पूछी जाती है, क्रैमर्स टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अभी एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि जब मैंने एग्जाम दिया था तो मुझसे पूछा गया था टाइप्स ऑफ कोरिलेशन यूजीसी नेट में। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे, ए बी सी डी ई एफ इस तरह किससे थे, ठीक है, तो वहां पे क्रैमर्स लिखा था और बी वहां पे आपका आपका इंटर क्लास कोरिलेशन लिखा था। ठीक है, और सी में आपका सपोज मान लो कैंडल ताऊ लिखा था। ठीक है, मैंने तो ऐसे याद किया था इसको, कैंडल ताऊ करके। ठीक है, और ई मान लो आपका लिखा था स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है, जीरो ऑर्डर कोरिलेशन एफ। ठीक है, और मान लो ई आपका दे दिया जाएगा रेंज। ठीक है, तो आपको एलिमिनेट करना होगा, बहुत इजी बनेगा जो टाइप ऑफ कोरिलेशन बनेंगे। रेंज तो आपको पता है, रेंज तो हमारा डिस्पर्शन में आता है, या फिर आपको पूछा जाएगा कैली का। ठीक है, या फिर आपको दिया जाएगा बॉले का। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बॉले कैली स्क्यूनेस में आते हैं, रेंज या स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा डिस्पर्शन में आता है। ठीक है, तो आपको एलिमिनेट करने के लिए आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखना यहाँ पे प्लीज टाइप ऑफ कोरिलेशन आप खुद से पढ़ लेना। एक तो हमारा क्रैमर्स वी कोरिलेशन है, ठीक है, इज आइडेंटिकल टू पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन।
पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज यूज्ड टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स वेयर क्रैमर्स वी इज यूज्ड टू कैलकुलेट कोरिलेशन टेबल विद मोर देन 2 × 2 कॉलम एंड रोज इट वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। अब देखो जो आपका क्रैमर वाला है ना, ठीक है, क्रैमर्स वी कोरिलेशन वाला 0 एंड 1। 0 इंडिकेट लेस एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल, मीन्स कि जो उनके बीच का रिलेशनशिप है वो बहुत कम है। वेयर एज 1 इंडिकेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, क्योंकि उनका आपस का जो रिलेशनशिप है, जो उनका जुड़ाव है मेनली, ठीक है, जो ये एक दूसरे से जुड़े हैं ये बहुत कम है, 0 हो जाएगा। और अगर 1 आ जाएगा इट मीन्स कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा इनका जुड़ाव है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ओनली सिंपल बात आएगी कोरिलेशन की तो आप बोलोगे -1 एंड +1, लेकिन अगर बात आएगी क्रैमर्स वी कोरिलेशन की तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 एंड 1। क्लियर है सबको? बस मुझे यही क्लियर करना था जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही थी कि सम टाइम एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है 0 एंड 1, तो आप बोलते हो कि ये भी तो मैंने कोरिलेशन में पढ़ा था 0 एंड 1 की वैल्यू, बट वो क्रैमर्स ने दिया है, ठीक है। यस या नो, क्लियर है इतना सबको? हाँ जी, इतना क्लियर है। अब देखो, अब ये भी एग्जाम में पूछा जाता है क्रैमर्स की। जो अगर हम डिग्री की बात करें, जब मैंने आपको कोरिलेशन की बताई थी, जब हमने साइज ऑफ कोरिलेशन किया था, या फिर जब मैंने आपको डिग्री ऑफ कोरिलेशन बताया था, तो वहां पे हमारा सबसे वेरी हाई वाला कौन सा था? 0.90, आपका 0.00, ठीक है, ये हमारा सबसे हाईएस्ट था। क्लियर है सबको? और अगर मैं सबसे लोएस्ट की बात करूँ तो वो क्या था हमारा? 30 वाला था, मे बी 0.00 से, और आपका 30 तक था, ठीक है। और इससे अगर मैं हाई की बात करूँ तो वो मे बी 75 था, ठीक है, 75 वाला था। मैं भी अगर मैं हाई की बात करूं, वेरी हाई ये था। लेकिन अगर मैं क्रैमर्स की बात करूं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका हायर वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप माइनस सॉरी 0.25 हो जाएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका 0.15 to 0.25 स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप हो जाएगा, मॉडरेट वाला ये हो जाएगा 1 point ये वाला, ठीक है। ये प्लीज याद कर लेना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके जी, एक तो आपका ये क्रैमर्स वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और टाइप ऑफ कोरिलेशन की बात कर रही हूँ अभी मैं, ठीक है। अभी इससे पहले हमने मेथड्स किए थे, जिसमें सिर्फ मुझे कल आपको करवाना है कार्ल पियर्सन वाला मेथड, बाकी आपके टाइप्स ऑफ कोरिलेशन कंप्लीट होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, और कुछ ये वाले भी। क्लियर है इतना? अब हम बात करते हैं अदर टाइप्स ऑफ कोरिलेशन आर एज कनकॉर्डेंस, समवर्ती सहसंबंध गुणांक, ठीक है। इट मेजर द बाइप्रेट पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कंपेरेटिव गोल्ड स्टैंडर्ड मेजरमेंट, ठीक है। इंटर क्लास इट मेजर द रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा दैट आर कलेक्टेड एज अ ग्रुप, ठीक है। ये जो इंटर क्लास वाला है ये रिलायबिलिटी बताता है। रिलायबिलिटी क्या होती है? कंसिस्टेंसी, के दोनों वेरिएबल जो है वो आपस में कितने रिलायबल है, ओके। और कैंडल दाउ इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलम्स ऑफ रैंक्ड डाटा। और मोरन्स वन ये एग्जाम में सारे पूछे गए। इट मेजर द ओवरऑल स्पाइटल ऑटो कोरिलेशन ऑफ द डेटा सेट, ये पढ़ लेना। पार्शियल कोरिलेशन बता दिया है। पाई कोफिशिएंट आपका, इट मेजर द एसोसिएशन बिटवीन 2 बाइनरी वेरिएबल्स, ओनली 2 बाइनरी, ठीक है, 0 एंड 1 वाला। और पॉइंट बिसलरियल कोरिलेशन, इट इज स्पेशल केस ऑफ पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, इट मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, 1 कंटीन्यूअस वेरिएबल एंड 1 नेचुरली बाइनरी वेरिएबल। स्पीयरमैन रैंक वाला बता दिया। 0 ऑर्डर कोरिलेशन, इट इंडिकेट नथिंग हैज बीन कंट्रोल्ड फॉर ऑफ, मींस कि 0 ऑर्डर कोरिलेशन क्या हो जाएगा? जब कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ये भी बता दिया है आपको, ठीक है। बस इतना था आपका। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवेरियंस एंड कोरिलेशन। अब जो आपका कोवेरियंस है ना, इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, कर लिए जाए फिर। ये भी हमारा आपका कल करेंगे कार्ल पियर्सन के साथ, क्योंकि ये कोवेरियंस वाला उन्होंने ही दिया था, बट अभी थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ 2 वेरिएबल कंसिडरिंग अदर कंडीशन आर कॉन्स्टेंट, ठीक है। दोनों वेरिएबल्स के बीच हम स्ट्रेंथ को देखते हैं कि उनका जो रिलेशनशिप है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है या फिर कितना ज्यादा वीक है, ये हमें बताता है कौन? कोरिलेशन बताता है। बट अगर हम कोवेरियंस की बात करें, इट शोज द एक्सटेंट टू विच 2 वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, हायर द नंबर हायर द डिपेंडेंसी। तो ये बताता है कि दोनों एक दूसरे पे कितने ज्यादा डिपेंड है, वो बताता है कोवेरियंस, और इनका रिलेशनशिप जो है वो बताता है कोरिलेशन, ठीक है। और अगर हम रेंज की बात करें तो -∞ to आपका +∞ हो जाएगा कोवेरियंस। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और आई होप नेक्स्ट टाइम भी पूछा जाएगा। बट अगर हम बात करें कोरिलेशन की, तो ये बताता है हमारे हेयर द सैम्बल्स, ठीक है, माइनस और प्लस वाला, ठीक है, -1 एंड +1 वाला, ओके। और इट इज अफेक्टेड बाय स्केल ऑफ द वेरिएबल्स, ठीक है। और जो आपका कोवेरियंस है, ये स्केल ऑफ वेरिएबल्स से अफेक्टेड होता है, मीन्स कि अगर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड है, स्केल आपका क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई या डिवाइड। और ओरिजन क्या है?
प्लस माइनस, ठीक है, बट जो आपका कोरिलेशन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय स्केल, ऑल्सो नॉट अफेक्टेड बाय ओरिजन. ओके, इट हैज डेफिनेट यूनिट्स एज इट डिराइव्ड बाय मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स एंड देयर यूनिट्स, इट इज यूनिट लेस एंड बिटवीन माइनस वन एंड माइनस प्लस टू. इतना क्लियर हो गया जी सबको? कल हम करेंगे पियर्सन वाला. यस या नो? अब बताओ किसी का कोई भी डाउट है यहाँ पर? तो कोई भी डाउट है पियर्सन के अलावा? बाकी आपके सारे मेथड कंप्लीट होते हैं कोरिलेशन के. अब चाहे आपसे मेथड ऑफ कोरिलेशन पूछ लिया जाए या फिर आपसे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पूछा जाए, पॉजिटिव नेगेटिव लीनियर नॉन लीनियर और आपका सिंपल मल्टीपल पार्शियल वाला, फिर चाहे आपसे क्रैमर वाला, कैंडल ताऊ वाला पूछ लिया जाए, इंटर क्लास वाला, जीरो रैंक वाला, ठीक है, मोरेंस वाला, और आपसे पाई कोफिशेंट वाला, पॉइंट बिस्लेरियन वाला, ठीक है, और एक और चीज लिख लो आप, टेट्रा, ठीक है, और पॉलीक्रोनिक कोरिलेशन. ओके 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 ओके, कनकॉर्डेंस कोरिलेशन. कौन सा नहीं दिया है यहाँ पे टाइप? कनकॉर्डेंस भी दिया है, इंटर क्लास भी दिया है, क्रैमर भी दिया है, कैंडल, मोरेन, पार्शियल, पाई कोएफिशिएंट, पॉइंट, स्पीयर्समैन, जीरो, ठीक है. एक और लिख लो आप प्लीज यहाँ पे, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में. मैम जी क्रैमर्स का नोट करने दीजिए, थैंक्स. अच्छा एक मिनट प्रियंका जी, बस मुझे और एक चीज लिखवाने दो. क्रैमर्स के इम्पोर्टेंट है, ठीक है, डिग्री वाला, डिग्री ऑफ कोरिलेशन वाला, और आपका जो मैंने सिंपल कोरिलेशन का करवाया था वो भी इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टाइप्स वाले, ठीक है. टाइप में बाकी जो टाइप्स है वो तो करने ही करने हैं, इसके अलावा जो टाइप नहीं करवाया है पॉलीक्रॉनिक आपका कोरिलेशन, बस इनके नेम कर लेना, बाकी इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चन. पॉलीक्रॉनिक आपका कोरिलेशन, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका जो मैंने नहीं करवाया, टेट्रागोरिक कोरिलेशन, ठीक है, बस ये कर लेना. बाकी रैंक तो हो गया, जीरो भी हो गया, पॉइंट बिस्लेरियल भी हो गया, पार्शियल मॉडर्न, इंटर क्लास, कनकॉर्डेंस, ठीक है, बाकी सारा हो गया आपका, पियर्सन वाला भी हो गया, ठीक है. इतना क्लियर है सबको? अब कोई भी डाउट किसी का? ये आपका पियर्सन कोरिलेशन अगर पूछा जाएगा ना, समटाइम क्या होगा, क्रैमर्स वी कोरिलेशन ना देकर आपको पूछा जाएगा पियर्सन वाला, ठीक है, तो यही हो जाएगा क्रैमर्स वी वाला, ठीक है. इतना क्लियर है? अब लो आपको वैल्यू, लो जी इसकी वैल्यू लिख लो, 6-4 हो गए, जल्दी से जल्दी प्लीज नोट डाउन कर लो. हाँ जी जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लो, फिर 7 PM भी आपकी क्लास है रिसर्च एप्टीट्यूड की. अब रिसर्च एप्टीट्यूड में मुझे आपको हाइपोथीसिस और हाइपोथीसिस टेस्टिंग करवानी है, और मुझे पक्का कंफर्म करवा दो ना कि आपको यहाँ पे करवाने की जरूरत नहीं है जो मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड में टॉपिक करवा रही हूँ, क्योंकि सेम एज इट इज होने वाले सैम्पलिंग वाला भी, ठीक है, वो भी आपका स्टेटिस्टिक्स में पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, और हाइपोथीसिस टेस्टिंग में ही आते हैं जो आपके, ठीक है, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा, और रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के टाइप्स ऑल्सो, ठीक है. एरर्स एंड बाइज इन रिसर्च ये तो करवाऊंगी अभी आपको, ठीक है, सैम्पलिंग एरर, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर मैंने करवा दिए थे, रिस्पोंडेंट एरर अभी करवाना है आपको. हो गया मैम, हो गया मैम. छत्तीसगढ़ में सेट एग्जाम होना है 7 जुलाई को. ओके 7 को आप लेते हो क्लास, 7 PM? हाँ जी 7 PM मैं क्लास लेती हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड की, ठीक है. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और 7 PM मिलते हैं पेपर 1 की क्लास में. बाय बाय, टेक केयर. कल करेंगे हम कार्ल्स पियर्सन वाला, ठीक है, और कौन सा करेंगे हम कल? रेग्रेशन करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर, प्रोबेबल एरर, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओनली फॉर्मूले. बस स्टैटिस्टिक्स में आपको ये है कि आपको फॉर्मूले लर्न करने होंगे, बाकी स्टैटिस्टिक्स अगर मैं बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो सबसे ज्यादा इजी यूनिट है, क्योंकि ये पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड को 50% कवर करती है आपकी. तो अगर आपने पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ोगे तो 50% वो कवर हो गया आपका यूनिट 5 में, और आपका 50% यहाँ पर कवर हो गया. ओके ठीक है जी, ओके बाय बाय, कल मिलते हैं.